योगी की यूपी पुलिस के चलते बदायूं का एक दलित परिवार खौफ के साए में जी रहा है। पीड़ित ने योगी पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत होने का आरोप लगाया है। मामला उजाने कोतवाली क्षेत्र के गांव पृथ्वी नगला का है। जी हां, आपको बता दें कि 20 अगस्त को खेत में काम करने के दौरान हुई कहासुनी के बीच दबंगों द्वारा दलित परिवार पर हमला बोलकर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया और गंभीर हालत में छोड़ भाग निकले। दबंगों द्वारा की गई मारपीट में दलित परिवार के 5 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक व्यक्ति का हाथ भी टूट गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को हुई। पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है, कहा कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है और दबंगों से मोटी रकम ली है, जिससे पुलिस दबंगों पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। दबंगों को स्थानीय पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से पीड़ित परिवार को भय बना हुआ है। पीड़ित परिवार पर दबंगों द्वारा फैसला करने का दबाव बनाया जा रहा है और ना करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या यही योगी पुलिस है? अपराधियों के एनकाउंटर करने में माहिर कही जाने वाली योगी पुलिस अपराधियों को ही खुला संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। गरीब जनता की रक्षा करने की बजाय पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है। लड़ाई लगाते समय वो लोगों ने घेर लिया वहाँ, ठाकुरों ने उनका गप्पू और सप्पू और अमित विक्रम राघवेंद्र पंकज ये लोग और व्यक्ति थे, कम से कम 40-50 आदमी थे। क्यों घेरा आपको? वो पौध के पीछे झगड़ा हो गया था, पौध ले गए थे वो घेर के। हमने उनसे कहा तो दौड़ पड़े। दौड़ने के बाद फिर वो हम दूसरे तीसरे दिन वहाँ दवा लगा रहे थे। वे लोग सुबह से आके बैठ गए मक्का में आके, और जितने लोग उधर दवा लगा रहे थे इनको घेर लिया। हम उल्ली तरफ सड़क से इस साइड में हम डरा रहे थे, तो हम सब लोगों को 5 लोगों को घेर लिया और वहाँ लाठी डंडों से पीटा और गाली गलौज दी। क्या गाली? गाली दी का सालों चमट्टे तुम कर क्या सकते हो, सालों तुम्हें घर में घेर घेर के मारेंगे, रोन रोन के मारेंगे। ऐसे उन्होंने सब तरह की गाली दी और लाठी डंडों से मारा और हम लोगों को मरा जान के वहीं छोड़ दिया। पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके? पुलिस आई थी, पुलिस ले गई उठा के। उसके बाद में वहाँ मेडिकल रिपोर्ट हुई, उसके बाद में सीओ साहब आए थे तो उन्होंने कही का सब कार्रवाई हो जाएगी, आपकी चिंता मत करो। फिर उसके बाद में उन लोगों ने बयान बयान उनके लिए थे, उन्होंने कुछ पैसे फैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया अब तक? नहीं किए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। घटना ये भाई, पहले पौध उखाड़ ली ही, लड़कों से झगड़ा हो गया, जैसे काना सुनी नहीं भाई तो उन्होंने उनका हमारे लड़के ने हाथ मेट दिया। फिर जैसे ही घटना हुई 3 दिन के बाद, तीसरे दिन हम लोगों को 4 रोटी खाना ले गए इनको, दवा लगा रहे खेत में। हम जिन लोगों ने खाना खोला खाने बैठे थे, इन्हें खाना खाना ही गिरास भी तोड़ दिया खाली। बस तैसे ही वो लोग आ गए 40-45 आदमी, उन लोगों ने हमें सब लंग से घेर लिया। घेरने के अलावा फिर उनने हत्थापाई खूब लाठी डंडों से करी और हमारे लड़कन से कई सालों पाँच हुए तो लड़कों ने हमारे ने 5 हुए हैं। तब हमारे लड़के जो हैं जैसे हैं तैसे छोड़ के मरा जान के छोड़ गए हैं वे लोग, और हम लोगों को काफ़ी चोट आई है। पुलिस आई, पुलिस उठा के ले गई है, हमारा मेडिकल कराया है पुलिस ने, और जो कुछ हुआ सो हुआ। आज तक उन लोगों को कोई आरोप पकड़ाई ना, गिरफ्तारी ना भई है। इसको लेकर के आप उच्च अधिकारियों के पास गए? हम गए हैं साहब, उन लोगों ने हमारे लिए बदाऊँ भेजो और मेडिकल भाव मेडिकल पर हमारी कोई सुनवाई ना है, ना थाने में कोई सुनवाई है। आते जाते हैं तो ये कह देते तुम्हारा कार्रवाई हो रही है और कोई हम आज तक जवाब नहीं मिला है हमको। आपको क्या लगता है आपकी कार्रवाई सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? अब भैया वे लोग 50% दे देते हैं उन लोगों के जाते हैं, वे लोग गिरवी दे देते हैं या बेच देते हैं, हम लोगों पर पैसा नहीं है, अपना टेम काट रहे हैं, बटाई सटाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों की में। और वो लोगों ने ये कही अगर तुम सजेती करोगे तो साल में एक दफ़े अभी और पिटोगे और ना खेती छोड़ के भाग जाओगे। धमकाया जा रहा है? हाँ, फैसला की बहुत कहते हैं। हमने कही हमारे हाथ पर ठीक भय नहीं है, हाथ पर सही हो जाए तभी तो फैसला कर लेंगे। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी लोगों ने मिर्च की पौध उखेड़ी थी, गप्पू के लड़के ने, उसका नाम पंकज है, सागवेंदर
और ये अमित विक्रम संपू, इन लोगों ने पौध उखेड़ी तो हमने कही थी इन लोगों से, तो इन लोगों ने हमको गारी फारी दी। फिर ऐसे ही इन लोगों ने समझा दिया, वो बात बंद हो गई थी। बंद होने के बाद फिर हम अपने खेत में दवा लगा रहे थे तो ये तीसरे दिन 40-50 लोगों ने हमको मारा पीटा हुआ लठियाया, और इसमें हमारा हाथ भी टूटा है और भी चोट आई है। हम 5-4 भाई थे, पिताजी थे, काफ़ी चोट आई हैं और इन लोगों ने हमको ज़्यादा मारा। हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमारा हालांकि मुकदमा भी दर्ज किया है पुलिस ने, फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर, क्योंकि उधर से राजनीतिक दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। अब हम वहाँ खेत पे जाते हैं तो वो लोग हमको धमकाते हैं, बोले फैसला करोगे तो पिटोगे, फैसला नहीं करोगे तो मारने की धमकी देते हैं, हमें ज़्यादा खतरा है जान के लिए। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस से कहा था, पुलिस उन लोगों के पक्ष में है, वो लोग पैसा दे देते हैं बच जाते हैं, पैसा दिया है उन लोगों ने। फिलहाल गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं है हुई है, ये 20 अगस्त का झगड़ा हुआ था हमारा, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और जो भी है वो न्याय दिलाया जाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।